नमस्कार दोस्तों, माइंड योर बॉडी में आपका स्वागत है। आज आस्क योर एक्सपर्ट सीरीज का हमारा ये दूसरा वीडियो है। अभी रिसेंटली जो है एक हादसा हुआ है, जिसके बाद से लोग मेंटल हेल्थ की काफी बात कर रहे हैं। हर कोई हर जगह सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड से हर जगह बात कर रहा है मेंटल हेल्थ की। आज हम भी उस बारे में बात करने वाले हैं और हम डॉक्टर जो है हमारे साथ जो एक्सपर्ट है उनसे हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, कब पता चलेगा हमको कि डिप्रेशन किसी को है कि नहीं है और उसका क्या इलाज है। तो चलिए हम आज का जो हमारा एपिसोड है शुरू करते हैं। और आज के एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया रंजन अविनाश। ये एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट देहरादून। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है फिर से माइंड योर बॉडी पे। धन्यवाद। तो आज आप बताइए कि डिप्रेशन जो है आजकल हर कोई बात कर रहा है डिप्रेशन की, तो ये डिप्रेशन एक्चुअली में क्या है? ठीक है, देखिए डिप्रेशन जो है एक दिमाग की बीमारी है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि डिप्रेशन को कई लोग बोलते हैं कि ये मानसिक बीमारी है, और जैसे ही हम मानसिक बीमारी बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर में समाज में बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं, जिसके वजह से इस बीमारी के बारे में लोग बात करना कम कर देते हैं, कम बोलते हैं, छुपाते हैं। बहुत सारे स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, टैबू है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोगों ने बहुत स्टिग्मेटाइज कर रखा है, और इस वजह से इसके बारे में बात कम करते हैं। और क्योंकि वो बात कम करते हैं तो जरूर वो इसके लिए हेल्प भी टाइम पर नहीं ले पाते, इसलिए बहुत जरूरी ये बात को समझना कि जैसे हमारे शरीर में कई और बीमारियां हो सकती हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में कई बीमारियां हो सकती हैं, और उनमें से एक बीमारी है जिसका नाम है डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम बोलते हैं। एकदम अगर उसको हम स्पष्ट शब्दों में बोले तो उसको हम मेडिकल भाषा में, जिसको लोग आम बोलचाल में डिप्रेशन बोलते हैं, मेडिकल भाषा में हम उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो क्या क्या लक्षण है इस बीमारी के? ठीक है, देखिए जो ये बीमारी है डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसके आम तौर पे मुख्यतः 8-9 लक्षण होते हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है मन का उदास रहना हर समय हर परिस्थिति में। आप सब समझते होंगे कि हमारा मन कभी कभार उदास हो जाता है, हर किसी का होता है। कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात हो जाए तो हम थोड़े देर के लिए उदास महसूस करने लगते हैं, और बोल चाल में तो हम ये भी बोलते हैं कि हम डिप्रेस हो गए हैं। पर वो डिप्रेशन एक डिप्रेशन बीमारी नहीं है, वो एक डिस्ट्रेस है, वो एक तकलीफ है, वो एक परेशानी है, पर वो अवसाद डिप्रेशन या अवसाद की बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले डिप्रेशन की बीमारी का जो मेन लक्षण होता है वो होता है मन का हर वक्त हर परिस्थिति में उदास रहना, ये एक बात हो गई। साथ में उसके साथ मन की उदासी के साथ साथ इंसान को हर चीज में मजा आना बंद हो जाता है, खुशी मिलनी बंद हो जाती है। जिन चीजों में उस इंसान को पहले बड़ा खुशी मिलती थी, बड़ी खुशी मिलती थी, बहुत उत्साह था, बहुत मजा आता था, वो सब करने में अब उस इंसान को कोई खुशी या कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। ये दो सबसे मुख्य लक्षण हैं डिप्रेशन के, और ये दो लक्षण कम से कम 2 हफ्ते चलने चाहिए लगातार, तभी हम उसको एक बीमारी के रूप में मानते हैं। 1-2 दिन मन अच्छा ना लगना, कुछ भी अच्छा ना लगना नेचुरल है, नॉर्मल है, परिस्थिति वक्त हम सब कई बार जीवन के कई पड़ाव में ऐसा महसूस करते हैं। इन दो मुख्य लक्षणों के साथ कम से कम 2 हफ्ता अगर ये लक्षण रहे, और साथ में कुछ और लक्षण है जैसे कि इसको हम बायोलॉजिकल सिम्टम बोलते हैं, यानी कि हमारी भूख, नींद, सेक्स के इंटरेस्ट, ये सब चीजों में भी डिप्रेशन के वजह से बदलाव आ जाता है। जब मैं बदलाव कहता हूं मेरा मतलब है कि ये कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। आमतौर पर डिप्रेशन में नींद और भूख कम हो जाती है, पर ऐसे भी डिप्रेशन की बीमारियां होती हैं जिसको हम एटिपिकल डिप्रेशन बोलते हैं, यानी कि वो थोड़े नॉर्मल डिप्रेशन से भिन्न डिप्रेशन होते हैं, उसमें नींद और भूख दोनों बढ़ सकती है, ये बदलाव आते हैं। साथ में मनुष्य अपने आप को बहुत कम करके आंकने लगता है, उसके आत्मविश्वास में उसकी कमी आती है,
वो अपने आप को एक वर्थलेस, यानी कि वो अपने आप को बिल्कुल किसी लायक नहीं समझने लगता है और वो अपने आप को बिल्कुल निसहाय पाता है, उसको कोई सहायता मिलती हुई नहीं दिखती है और कई बार फिर वो अपने आप के फ्यूचर के बारे में सोचता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ होपलेस, यानी कि फ्यूचर में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिखता है। अगर ये सारे लक्षण रहें मरीज में 2 हफ्ते या उससे ज्यादा, तब हम इसको डिप्रेशन एक बीमारी के रूप में मानते हैं। जैसे आजकल के टाइम में अक्सर, क्योंकि इतना फास्ट टाइम है, हर किसी को कंपटीशन है, लोग अकेले रहते हैं, खास करके अभी जब से ये लॉकडाउन या कुछ ना कुछ हो रहा है, जिस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने घरों में अकेले हैं, तो हो सकता है कि ये सारी समस्याएं उनको लगे, उनको हो सकता है कि लगे कि उनके लाइफ का कोई मकसद नहीं है या वो दुखी हैं, तो क्या उनको दिखाना चाहिए साइकेट्रिस्ट को, क्या उन्हें 2 हफ्ते तक अगर उनको ये सिम्टम रहते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत टाइम तक लोग अपने घर में अकेले रह रहे हैं, तो क्या उनको दिखाना चाहिए साइकेट्रिस्ट को 2 हफ्ते तक अगर उनके ये सिम्टम्स नहीं ठीक होते? तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं आपको बताऊं कि हम सब कभी कभार जब हमें लगता है कि हमें कोई शरीर की बीमारी हो गई है तो हम डॉक्टर के पास जाने से हिचकते नहीं है। ऐसा कई बार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने कुछ शारीरिक समस्या को लेकर के और डॉक्टर कहता है ये नॉर्मल है, थोड़े दिन में 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, पर हम जाने में बिल्कुल हिचकते नहीं। चलो कुछ नहीं तो कम से कम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप हो जाएगा। हम सब तो कई बार रूटीन चेकअप भी कराते हैं शारीरिक बीमारियों के लिए। तो जैसे आपने सवाल पूछा कि भाई आजकल की जो स्थिति है जिसमें लॉकडाउन में हम सब कई लोग अकेले हैं, परिवार से दूर हैं, नौकरी पेशे से दूर हैं, जीवन कई बार व्यर्थ लगने लग सकता है, पर जरूरी नहीं है कि हम सबको, उन सबको जिन जिनको ये लक्षण पाए जा रहे हैं वो डिप्रेशन की बीमारी हो, पर डॉक्टर से मिलकर के राय लेने में हर्ज ही क्या है। तो जैसे कि आपको कोई शरीर की समस्या होती है आप डॉक्टर से मिलकर के अपनी दुविधा दूर कर लेते हैं, तो जब दिमाग या मन की समस्या हो तो भी डॉक्टर से मिलकर के अगर हम कहें तो लॉकडाउन की वजह से कई बार ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि हम बाहर जाकर डॉक्टर से नहीं मिल सकते, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। आजकल के जमाने में डिजिटल मीडिया पे कई तरह के मेडिकल हेल्प उपलब्ध है, तो अगर हमको कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात है बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ना भी, अगर आप तुरंत डॉक्टर के पास ना भी जा पाए तो हेल्प के लिए आपके लिए सबसे पहले तो आपका खुद का परिवार है, आपके खुद के अपने मित्र हैं, बात करनी बहुत जरूरी है, उसके बारे में चर्चा करें, बताएं अपने किसी करीबी को, नजदीकी को, अपने किसी विश्वसनीय इंसान को कि मुझे ये समस्या हो रही है। बात करने से भी कई बार समाधान निकल के आ जाते हैं। अगर बात करने के बाद भी लगता है कि हाँ ये समस्या सच में जटिल है, एक ऐसी समस्या है जिसमें डॉक्टरी हेल्प की आवश्यकता है, तो जरूर ले, निसंकोच। अच्छा, डिप्रेशन का एक एक्सट्रीम स्टेप माना गया है सुसाइड को। बहुत सारे लोगों ने मतलब किसी ना किसी स्टेज में आके कर, कभी डिप्रेशन में आके कर लेते हैं, तो सुसाइड कब, ऐसा इंसान की मानसिक स्थिति ऐसी कैसे पहुंच जाती है कि वो इतना बड़ा कदम ले लेता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिप्रेशन के कई लक्षणों में से जो एक 3 लक्षणों को मैंने गिनाया था, वापस से गिना देता हूं, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, यानी कि अपने आप को बिल्कुल बेकार समझना, आप निसहाय पाना और अपने फ्यूचर के बारे में एकदम नकारात्मक सोच रखना या होपलेस हो जाना, ये 3 जो लक्षण हैं, आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि ये जो 3 लक्षण अगर लगातार बना रहे मन में इंसान के, तो कई बार उनके मन की नेगेटिविटी इतनी, नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि जीवन बिल्कुल ही बेकार लगने लगता है, एक बोझ लगने लगता है। ऐसी स्थिति में, डिप्रेशन के ऐसे मरीजों में, ऐसी स्थिति में कई बार उनके जीवन के बारे में इतनी नकारात्मकता बैठ जाती है कि उन्हें लगता है कि अब मौत के सिवा कोई और रास्ता बचा नहीं है, तो उस केस में सुइसाइड के या आत्महत्या के विचार जरूर मन में आ सकते हैं और आने लगते हैं। डिप्रेशन के कई सीवियर डिप्रेशन के मरीजों में आत्महत्या के मन में विचार आने लगते हैं, और जब जो चीज मन में विचार आ सकता है वो इंसान कर भी सकता है, तो उसके बाद कई मरीज आत्महत्या के प्रयत्न भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई, अगर हम किसी को जानते हैं जो डिप्रेस्ड है या कभी कोई बात कर रहा है कि वो सुसाइड करना चाहता है या वो सुसाइड कर लेगा या उसके मन में ऐसे विचार आते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे आप जानते हो और वो कभी भी आत्महत्या के विचार आपके सामने प्रकट करता है, तो ऐसा माना गया है कि आप
ये उस विचार को एक सीरियस बात समझें। यूं ना समझें कि वो बस बातों बातों में कह रहा है, उसे धमकी के रूप में ना लें, उसे अटेंशन सीकिंग के रूप में ना लें। कई लोगों की ऐसी मानसिकता है कि वो अगर कोई इंसान अपने जीवन के बारे में ऐसी बातें करता है तो आम आदमी होता है कि ये व्यर्थ में बातें ऐसा कर रहे हैं, क्या पता ये बहुत ज्यादा अपना तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा माना गया है कि हरेक मरीज, करीब करीब हरेक मरीज जो आत्महत्या प्रयत्न करता है या आत्महत्या करने में सफल हो जाता है, वो सब कम से कम अपने जीवन में किसी न किसी को एक बार या उससे ज्यादा बार अपने बारे में ये बात प्रकट कर चुके होते हैं कि मेरे मन में विचार आता है कि मैं मर जाऊं, काश मैं रहूं ही ना। कई बार वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि मेरे मन में विचार आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, और कई बार वो इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि बात ये बातें करते वक्त कोई भी इंसान झिझकता है, तो कई बार वो अपने आप को इनडायरेक्ट तरीके से वो ऐसा बोलते हैं कि काश सब कुछ खत्म हो जाए, काश मैं कहीं और चला जाऊं, मेरा मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं और चला जाऊं, निकल लूं, काश मैं रहूं ही ना। इस तरह की अलग अलग तरह से इनडायरेक्ट तरीके से मरीज अपने बारे में अपनी सोच इस प्रकार की प्रकट करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। अगर कोई हमारा नजदीकी करीबी इंसान ऐसी बातें करता है तो, और उससे उसकी बात करके उसकी मनोभावना को समझने की पूरी कोशिश करना चाहिए। अगर बिल्कुल लगता है कि हाँ उसमें थोड़ी भी इस तरह की ऐसी बात चल रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपसे तुरंत किसी संभव हो तो किसी साइकियाट्रिस्ट जो एक मनोरोग का विशेषज्ञ होता है उसे दिखाएं। अगर साइकियाट्रिस्ट नहीं है तो किसी भी मेडिकल डॉक्टर को या काउंसलर को या मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, हेल्प जरूर लें। अच्छा, डिप्रेशन वैसे बहुत सारे लोगों को जब लगता भी है कि उनके में सिम्टम है पर वो दिखाना नहीं चाहते हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो क्या उनके घर वाले जबरदस्ती उनको लेके आ सकते हैं या कोई और उपाय है इसका, अगर वो जो नहीं इलाज कराना चाहते? देखिए, नहीं इलाज कराने के पीछे एक कारण, सबसे मुख्य कारण तो यही है कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता की बहुत कमी, और वो उसमें हम समाज के सारे सदस्य, हम सब जिम्मेदार हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि धीरे धीरे जागरूकता बढ़ाई जाए, उस पर वक्त लगेगा। अगर मरीज को ये ना लगे कि ये कोई ऐसी हीन दृष्टि से देखे जाने वाली बीमारी है तो कोई मरीज क्यों नहीं सहायता ढूंढेगा, इलाज क्यों नहीं कराएगा। तो समाज और परिवार और बाकी लोगों की सोच है कि ऐसे बीमारी को हम बहुत गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। इसी वजह से जो बीमार इंसान होता है वो अपनी बीमारी छुपाता है या उसके लिए इलाज कराना नहीं चाहता है। ये एक मुख्य कारण है जिस वजह से लोग इलाज नहीं कराते। आप कह रहे हैं कि किसी को सीवियर डिप्रेशन है और वो बिल्कुल ही मना कर देता है इलाज कराने से, तो आपका देश का कानून और कोई भी लॉजिकल थिंकिंग ये बताता है कि जहां पे जान की बाजी है, जान की नौबत आ सकती है, इंसान की जीवन और मरण की बात है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है एक तरह से, आप वहां पे आप जबरदस्ती भी इलाज करा सकते हैं। और है कानून में से प्रावधान है कि जहां कहीं भी ऐसा बात का खतरा है कि मरीज या तो अपनी खुद की जान के लिए खतरा है या किसी और की जान के लिए खतरा है, उसमें उस इंसान की जबरदस्ती भी इलाज कराई जानी चाहिए और कराई जानी चाहिए, चाहे उसके लिए उसकी जबरदस्ती करना ही क्यों ना पड़े। हालांकि मैं आपको इस तरह से यह भी कह दूं साथ में कि अक्सर केसेस में जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझाने बुझाने मात्र से कोई जो उसका, जिसको वो मरीज अपना सुचिंता समझता है, जिस पे वो भरोसा करता है, उसके बोलने मात्र से, काउंसलिंग मात्र से ही अधिकांश मरीज, अधिकांश, एक दो विरले कुछ होंगे जो नहीं करते होंगे, अधिकांश मरीज इलाज कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको समझाएं। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन के बारे में लोगों को बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, पर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था हमसे, जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि सुसाइड के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, आपस में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, और मतलब जो न्यूज पे इतना आ रहा है, न्यूज पे जो आपने बताया था कि न्यूज पे जितना हर टाइम सुसाइड का हर टाइम दिखाते रहते हैं, वो चीज नहीं है जो सोशल मीडिया पे हर इतना वो हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, तो इसका रीजन क्या है? सुइसाइड और डिप्रेशन के बारे में जानकारी होना एक बात है, और उसको महिमा मंडित करके, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके, उसको बहुत आप
स्कैंडल की तरह बताया जाए वो एक अलग बात है, दोनों फर्क है। मैं कह रहा हूं कि एक डिप्रेशन वाले मरीज से ये पूछना कि क्या क्या आपके मन में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार तो नहीं आ रहे हैं, मैंने कहा ये गलत नहीं है, पूछना चाहिए। क्योंकि पूछने मात्र से कभी कोई इंसान ऐसा नहीं है कि सुसाइड कर लेगा, उल्टा वो शायद उसके बारे में बात करेगा। लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि कहीं अगर खासतौर पर मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बन जाती है, और मीडिया के गाइडलाइंस हैं हमारे हिंदुस्तान में भी, मीडिया के एक पूरी लिखित में लंबी चौड़ी गाइडलाइन है कि कैसे ऐसे इंफॉर्मेशन को, ऐसे न्यूज को मसालेदार न्यूज के रूप में नहीं बताना चाहिए, वो बहुत बड़ी गलती है, उसके पीछे कारण है। ऐसा देखा गया है कि जब कोई ऐसी हस्ती जो कि बहुत नामी हस्ती होती है, सेलिब्रिटी होती है, जो कई लोगों के रोल मॉडल होते हैं, जब वो कभी आत्महत्या करते हैं और उनका डेथ सुसाइड से अगर हो जाता है, तो वो चीज को अगर बहुत बढ़ा चढ़ा के मीडिया में प्रस्तुत किया जाता है, तो कई ऐसे मरीज जो कि उन इंसान से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि वो उसके रोल मॉडल होते हैं, वो भी कई बार इस तरह की विचार अपने मन में लाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और आपने अभी जो जिस बात से ये सारी डिस्कशन शुरू हुई है, आपने देखा होगा कि जो एक सेलिब्रिटी जिनकी अभी डेथ हो गई है सुसाइड की वजह से, उसके बाद जब मीडिया में इस न्यूज को इतना मसालेदार तरीके से उसकी पूरी गहराइयों में जाकर बताया गया, कुछ लोगों ने जो उनके फैंस थे उन्होंने भी ऐसा कदम उठाया है और न्यूज में आया था। इसको हम लोग इस पूरी चीज को, फेनोमेना को हम लोग कॉपी कैट सुसाइड कहते हैं, यानी कि करके नकल कह लीजिए इस वर्ड को आप कह लीजिए। और इसके ऊपर बहुत रिसर्च है, बहुत सारी स्टडीज हैं, इसको हम मेडिकल भाषा में इसको हम लोग वर्थर सिंड्रोम बोलते हैं। वो एक्चुअली एक नॉवेल थी, एक किताब थी, बहुत ही फेमस जर्मन किताब थी, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम वर्थर होता है, वो सुसाइड करता है और उसकी देखा देखी कई लोग सुसाइड करने के लिए एक तरह से प्रेरित होते हैं। तो हमारी एक जिम्मेदार सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे इंफॉर्मेशन को चटकारे लेकर के ना प्रस्तुत करें, ये गलत बात करें पर उसको ग्लोरीफाई ना करें, मसाला लेकर। बिल्कुल सही, सही वर्ड आपने बोला, ग्लोरीफाई ना करें। जी हाँ, और बात डिप्रेशन में या ऐसे केसेस में बात करने का क्या महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है किसी से बात करना, इसके बारे में आपने एक बात कहानी सुनाई थी विक्टर फ्रैंकल की, आप हमारे दर्शकों को वो कहानी सुनाना चाहेंगे? आप में से शायद कई लोगों ने कई लोग उनके नाम से अवगत भी होंगे विक्टर फ्रैंकल के, और कई लोगों ने उनकी एक बहुत फेमस किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग वो पढ़ी भी होगी। अगर आपने पढ़ी भी है तो भी मैं उस बात को दोहराऊंगा कि विक्टर फ्रैंकल ने एक बार उनसे पूछा गया कि एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार विक्टर फ्रैंकल खुद साइकियाट्रिस्ट थे तो बता दूं, और वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नाजीज के द्वारा कैद किए गए थे। उनकी भी अपनी एक स्टोरी है, वो कैसे लड़कियों से बाहर निकले। बाद में एक स्टोरी है कि जब वो साइकियाट्रिस्ट थे उनके पास उनके एक पेशेंट का, एक वृद्ध एक महिला का फोन आता है और कि भाई मैं तो सुसाइड करने वाली हूँ, और ये करीब मध्य रात्रि की बात होती है, मिडनाइट की बात होती है। तो विक्टर फ्रैंकल एज ए डॉक्टर उन्होंने उस महिला से बात की और उसे कई सारे कारण, कई सारे लॉजिक देने की कोशिश करी कि नहीं देखिए आपके जीवन में इतनी नकारात्मकता नहीं है, ये देखिए आपके लाइफ में ये पॉजिटिविटी है, आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी है, अगर आपने सुसाइड किया तो ये होगा, और कई तरीके से वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उस महिला को कि आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए। और बातें करते करते करीब करीब पूरी रात निकल जाती है और फिर वो महिला फोन रख देती है, ये कहते कि मैं नहीं करूंगी। फिर बहुत सालों बाद वो महिला विक्टर फ्रैंकल को मिलती है और फिर विक्टर फ्रैंकल ने उनसे पूछा कि भाई आपने उस दिन, उस रात को जो आपने मुझे फोन किया था, मैंने आपको काफी समझाने की कोशिश करी और आपने फाइनली, मुझे बहुत खुशी है कि आपने वो कदम नहीं उठाया, पर मुझे ये बताएं कि मैंने इतनी सारी लॉजिक्स में, इतनी सारी बातें जो मैंने आपको कही, आर्ग्यूमेंट जो दी कि आपको सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें से ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से आपने ये कदम नहीं उठाया? तो महिला बोलती है कि देखिए आपकी सारी बातें उस टाइम पे मुझे एक्चुअली व्यर्थ लगी थी, मुझे कोई भी बात उनमें से जो भी आपने कही, जो भी लॉजिक दिया, मुझे कोई उसमें से कोई भी बात कन्विंस नहीं कर पाई थी। हाँ, पर जब मैंने फोन रखा तो मेरे दिमाग में बात आई कि ये दुनिया, जिस दुनिया में ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे इंसान हैं जो मेरी समस्या रात भर सुने, इस दुनिया में काफी पॉजिटिविटी है। सिर्फ
मेरी बात सुनने वाला कोई था रात भर ये ही बात सोच सोच करके मेरा मन सुसाइड से हट गया। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आपके पास कोई भी टेक्निक ना हो, आप एक खुद भी साइकियाट्रिस्ट ना हो, कोई साइकोलॉजिस्ट ना हो, कोई मनोरोग के विशेषज्ञ ना भी हो, पर अगर कोई इंसान जो कि आत्महत्या या इतनी नकारात्मकता बात कर रहा है उसकी अगर आप दिन भर कुछ देर तक उसकी बात सुन ले तो भी अक्सर देखा जाता है कि वो इंसान ऐसा गलत कदम नहीं उठाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि बहुत सीवियर डिप्रेशन में भी इंसान कोई भी अपना जीवन खराब खत्म करने के लिए सुसाइड का कोशिश नहीं करता है, वो एक्चुअली उस पेन से, उस तकलीफ से निकलने के लिए सुसाइड की कोशिश करता है। तो अगर वो तकलीफ कम हो जाए तो कोई भी अब सुसाइड नहीं करना चाहता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, पॉजिटिविटी है दुनिया में। तो आपने इस तरीके से देखा कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ एक छोटी बड़ी छोटी सी समस्या नहीं है। आपको डिप्रेशन को, कोई डिप्रेशन में है, अगर आप किसी को जानते हैं इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, तो आपको इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर से उनको एक बार दिखाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़ ही जाए, मगर एक बार सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा आपको आजकल हम देख रहे हैं कि काफी बहुत अच्छा है कि हर कोई अपने व्हाट्सएप में देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मैसेजेस डालते हैं कि अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमसे बात करिए, ये एक अच्छी बात है। आप कोशिश करिए कि अपने जो आपके जान पहचान के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे बातें करें, उनसे अपना सुख दुख शेयर करें। अगर उनको कोई तकलीफ है तो उसको सीरियसली सुने और उनको समझाएं। अगर आप उनकी तकलीफ को कम नहीं भी कर सकते हैं, पर सिर्फ बात करने से, उनकी बात सुनने से जो है आधे लोगों को अच्छा लगता है और उनकी तकलीफ, उनको रिलैक्स मिलता है और वो खुद भी अपने आप सोल्यूशन कई बार ढूंढ पाते हैं जब वो काम होते हैं। तो और साथ ही अगर कोई सुसाइड की किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात कर रहा है तो उसकी बात को जो है इग्नोर ना करें। अगर वो फोन चाहे आधी रात में करे या सुबह करे, कभी भी करे, उसकी बात को सीरियसली सुन लीजिए, उसको समझाने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद से जब एक बार शांत हो जाता है तो देखिए अगर उसको डॉक्टर की जरूरत हो तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो ये थी हमारा आज का, हमारा टॉपिक था डिप्रेशन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब जो आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। तो ये था, इसके अलावा जो है आप अगर कोई भी डाउट हो तो हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी नीचे लिखी हुई है, आप वहां पे फॉलो करिए। और कोई भी समस्या हो आपको तो आप जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उसका अगर इलाज हो या कुछ भी इलाज, तो खैर और ऐसे नहीं बता सकते मैं, बट क्या उसके लिए आपको करना चाहिए वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से पूछ के आपको बताएं। तो इसलिए जो है शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं और इस चीज को एक स्टिग्मा की तरह मत देखिए और इस बारे में बात करिए अगर कोई भी समस्या हो तो, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट एपिसोड जो आज की और एक्सपर्ट था उसमें लास्ट एपिसोड में बाइपोलर के बारे में बात की थी, अगर आपको वो देखना हो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।